देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। मरियम नवाज साहबा की माशाल्लाह नई टेप चल रही है, बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट की है। मरियम नवाज जो है वो जब भी सूरत हाल खराब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। आपने कहा है कि देखा मैंने किस तरीके से जियो टीवी और दुनिया टीवी जो है उसको मैनेज किया है, तो अब इन इदारों को या तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर जानकारी की है तो फिर माजरत करनी चाहिए। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8, मैं हूं किरण नाज। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, इनकी एक और मुबैना ऑडियो टेप लीक हो गई है जिसमें सुना जा सकता है कि मरियम नवाज साहिबा बड़े फ़ख्र से बता रही हैं कि वो बेहतरीन अंदाज में मीडिया को मैनेज करती हैं। अलबत्ता नाज़रीन, इस ऑडियो में वाजे इसलिए नहीं है कि वो किसकी ऐसी की तैसी करवाने पर फ़ख्र कर रही हैं। समा के रिपोर्टर ने इस हवाले से बात की उनसे, सवाल किया उनसे, तो जवाब नहीं मिला। मीडिया को मैनेज करने का मरियम का तरीक़ाकार पहले भी आ चुका है सबके सामने, जिसे वो खुद तस्लीम कर चुकी हैं। याद कीजिए ज़रा, 4 चैनल को, समा को, 92 को, और क्या नाम है इसका, ARY को, कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। कि समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद हैं। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सर खुश आमदीद कहती हूँ आपको। आज़म साहब, इस ऑडियो से मुतालिक सर, जब मरियम साहिबा से सवाल हुआ वो कहती हैं इसका जवाब वो पहले ही दे चुकी हैं, तो पहले तो उन्होंने बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा था कि ये ऑडियो उन्हीं की ही है, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बेहतर जवाब तो आपको बिल्कुल उन्हीं से लेना चाहिए, और आपके लिए क्योंकि कई दफ़ा चीज़ें मुख्तलिफ नज़र से देखी जा रही होती हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये किस ज़माने की वीडियो है, आया ये 8 से 4 साल पुरानी है, आया ये इंतखाबात से कुछ अरसा कबल की है, जबकि वाकईतन पॉलिटिकल पार्टीज लॉबिंग कर रही होती हैं और वो अपना स्पेस या टाइम लेने के लिए मीडिया को मटेरियल फराहम करते हैं, और फिर मीडिया से जो चीज़ें बाहर निकलती हैं उसकी वजह से दूसरी पॉलिटिकल फोर्स को या जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके लिए तकलीफ होती हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये पूरी दुनिया में ये टूल्स और ये चीज़ें बिल्कुल पॉलिटिकल जब फाइट्स हो रही होती हैं, जब सियासी दंगल हो रहे होते हैं, उनमें ये इस्तेमाल होती हैं। इसकी टाइमिंग का मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, मैं क्योंकि उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं एज अ पार्टी उनके वर्कर के तौर पे या पार्टी के एक एक चलिए 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 सर चलिए सर टाइमिंग की बात को छोड़ देते हैं कि किस वक्त की है, किस वक्त उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन सर अगर उन्होंने किसी चैनल से ये सब कुछ करवाया भी है, किसी की ऐसी तैसी करवाई भी है, तो सर ये दुरुस्त बात है वैसे? देखिए आप फिर उसको सियाको सबाक से हट के ले सकते हैं, हो सकता है कि उससे पहले उन्होंने बड़ी तवील गुफ्तगू की हो और उन्होंने कही हो कि उन्होंने हम पे मर्ड स्लिंगिंग करवाई और हमारे ऊपर कीचड़ उछलवाने की कोशिश की, और फिर जब हमने असल हकायक दिए मीडिया को और वो हकायक उन तक पहुंचे उसके बाद उनकी ऐसी तैसी फिर गई, तो क्या इसमें कोई बुराई होगी? हम लोग नेगेटिव ना सोचा करें कि हम सिर्फ सर एक कट नहीं, आप भी तो किरण देखे ना थोड़ा सर, वैसे आपकी इस बात आजम साहब बहुत मोहतरम है सर आप मेरे लिए, लेकिन आपकी इस बात पे ना सर वो जुमला फिट नहीं हो रहा जहाँ वो कह रही है देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट कैसी ऐसी तैसी फेर दी, तो सर आपकी इस बात में ये फिट नहीं हो रहा सर। किरण अगर आप ये क्यों भूल रही हैं कि आपने अगर तो सिर्फ इसका एक ही जवाब मेरे से लेना चाहती हैं तो मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं तो वकील हूँ, मेरे तो सामने जब तक पूरा मटेरियल नहीं आता मैं कोई भी इन्फ्रेंस या हाइपोथेसिस डेवलप करके उसका जवाब नहीं दे सकता। क्या ये मुमकिन नहीं है कि उससे पहले उन्होंने ये बातें की हो कि हमारे बारे में करेक्टेड असैसिनेशन की कोशिश की गई, हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, और फिर जब हमने उन चीजों की तरदीद कर दी और सारा मटेरियल दिया तो उसके बाद उनके साथ ये हुआ और फिर देखा है कि वो कैसे उनके लिए मुश्किल हो गया था और ऐसी तैसी फिर गई है, तो क्या इसमें क्या हर्ज है कि अगर किसी ने आप पे मर्ड स्लिंगिंग की है या आपकी करेक्टर असैसिनेशन की है और आपने उसके जवाब में मीडिया को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, और ये हमारे पंजाबी एक्सप्रेशंस हैं
मुझे इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जो कि काबिले दस्तंदाजी जुर्म हो या जो इखलाकी तौर पर इतनी बुरी हो। इसके लिए जरूरी है पहले तो आप इसके टाइमिंग का तयन करें कि ये किस वक्त की ये गुफ्तगू हो रही है, फिर थोड़ा सा सियाको सबाक भी तो देखे ना। ये कट एंड सर ये वाली सारी बातें क्लियर हो सकती थी अगर मरियम साहिबा से जब सवाल पूछा गया था वो अगर जवाब दे देती, लेकिन उन्होंने इसके ना कॉन्टेक्स्ट बताया, ना इसका सियाको सबाक बताया, ना टाइमिंग के बारे में बताया। अच्छा आजम साहब, सर ये मरियम बीवी पर ही क्यों मीडिया को मैनेज करने का इल्जाम लगता रहा है? सर पहले कहा जाता रहा मरियम नवाज साहिबा वजीर आजम हाउस से मीडिया सेल चलाती थी, फिर मरियम ने खुद माना सर कि वो मनपसंद चैनल्स को इश्तेहार देने की इजाजत देती थी। लीगी रहनुमाओं ने कभी मरियम से सवाल किया है सर कि वो ये सब कैसे और क्यों कर रही हैं? ना ये किरण, ना हिम्मत ये आप में है, ना मेरे जैसे नातवा लोगों में है। मीडिया जहाँ से मैनेज होता है सारे पाकिस्तान को पता है, जितने आपके टॉप ब्रास एंकर्स हैं वो ब्लैकलिस्ट होके पड़े हुए हैं, उनकी जुबान बंदी कर दी गई है, उनके प्रोग्राम्स छीन लिए गए। कहाँ है आज तलत हुसैन, कहाँ है अहमद मीर, कहाँ है बहुत सारी ऐसी आवाजें जो कि सच बोलती थी, जो दबंग बात करती थी। सिर्फ कवाली के लिए तो मीडिया नहीं है, ना मालिश करने के लिए है। सारों को पता है कि कौन सा इदारा ताकतवर और कहाँ से मीडिया बंद होता है या कहाँ से मीडिया कंट्रोल होता है। ये पानी क्योंकि निचली तरफ ही बैठा है अनफॉर्चुनेटली, और पॉलिटिशियंस हमेशा टारगेट के तौर सर अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसी बात करते हैं, जब मरियम साहिबा खुद मीडिया की आजादी की बात करती हैं और फिर इस तरह की जब ऑडियो सामने आती हैं एक के बाद एक, तो ये फिर बड़ा अचंभा होता है ना कि एक तरफ आप सामने आकर बात करते हैं मीडिया की आजादी की और दूसरी तरफ मीडिया को कंट्रोल करने की बातें आप लोग ही करते हैं। सर आप मेरे साथ ही मौजूद हैं, मैंने मजीद आपसे बात करनी है। सदाकत अली अब्बासी साहब भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहूंगी आपको सर। सदाकत साहब, मरियम साहिबा की एक और मुबैना ऑडियो लीक आ गई है सर, पहले तो इस पर कॉमेंट कीजिए। जी किरण साहब बहुत शुक्रिया, बस एक और सबूत आ गया कि ये हम पीटीआई माफिया से लड़ती है और हमारे मुकाबले में कोई सियासी जमात नहीं है। मोरूसी पैसों के ज़ोर पे, गुंडागर्दी के ज़ोर पे, ख़रीदो फरोख्त करके, ब्लैकमेल करके, इदारों पे दबाव डाल के एक ऐसा ग्रोह है जिसने पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ था। और शायद हमारे लिए चैलेंज भी यही है कि इनको हम रवायती तरीके से इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये रवायती पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है, ये माफियाज हैं जिन्होंने हर इदारे को या तो खरीदा हुआ है और या ये उसको अपने तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, दबाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो ये बड़ा वाजे हो गया और कौम के सामने ये बात साबित हो गई कि ये हमारे खिलाफ हर वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिनको आप आला इखलाकी मेयार पे गैर जमहूरी। कौम के सामने आपने भी तो कुछ लाना था ना सर, आप लोगों ने भी तो, हुकूमत ने भी तो नवंबर में एक कमेटी बनाई थी जिसने 3 दिन में रिपोर्ट दे दी थी, इश्तिहारात किस तरह दिए गए, उसका क्या हुआ सर? मरियम बीबी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई, आप लोगों की रिपोर्ट नहीं आई अभी तक? नहीं आपके ठीक है, मैं अब एग्जैक्टली मुझे उस रिपोर्ट का मेरे पास मालूम तो नहीं है, लेकिन अब आप देखें ना हमारे, हम अगर हमारी कोई कहीं थोड़ी बहुत भी कोई हमारा वीक पॉइंट होता है तो किस तरह पैसे दे के और पैसे काट के उस बयानिए को बनाया जाता है और उस बयानिए को चलाया जाता है और मीडिया मालकान के नाम लेके और मीडिया हाउसेस के नाम लेके कहा जाता है कि देखा मैंने कैसे किया। तो ये मेरा ख्याल है कि आप भी एक यंग जर्नलिस्ट हैं और मैं भी एक पोलिटिकल बंदा हूँ और देखने वाले लोग हैं, हम सब के लिए सीखना है कि इस तरह इदारे और माशरे बर्बाद होते हैं जब इस तरह के माफियाज मुल्क के इदारों के सरबराह बन जाते हैं और बाय हुक और बाय क्रूक। सदाकत साहब इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूं सर, अगर वो जो हुकूमत ने 3 दिन में रिपोर्ट सामने लाने की बात की थी सदाकत साहब, अगर वो हो जाता तो बड़ा क्लियर हो जाता ना, बड़ा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन समाओ वो आए ही नहीं सामने। केपीके में क्या हुआ है, आप दोनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, जरा नाजती हूँ फिर इस पर बात करते हैं। कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। तब्दीली आ नहीं रही, मैं आ चुका हूँ। केपी में अपने घर में इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त, बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। जो इमरान खान की परफॉर्मेंस है उसको दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे, तो मेरा एक मशवरा है उनको, हेलमेट पहन के जाएं, हेलमेट पहन के जाएं।
मौलाना साहब को मुबारकबाद देती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे लगा कि ये हमारी फतह है, उनको देखा तो खुशी हुई। हेलमेट पहनकर किसको जाना पड़ना इलेक्शन में वो तो वक्त बताएगा। जो मजहबी शिद्दत पसंद जमातें हैं जैसे JUI है, बड़ी बदकिस्मती है एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। JUI जैसी जमात जो है उसने PTI की रिप्लेसमेंट है, PTI के लोगों को ज़्यादा सीरियसली ये सोचना है। तो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के नतज ने मुल्क सियासत का रुख तब्दील किया है। गैर हतमी नतज के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की JUI ने पेशावर, कोहाट, बनू में मेयर का इंतखाब जीत लिया है। मर्दान में ANP का मेयर मुंतखब हो चुका है, यानी बल्दियाती इलेक्शन के पहले हिस्से में तहरीक इंसाफ एक भी मेयर मुंतखब नहीं करवा सकी है। तहसील चेयरमैन भी सबसे ज़्यादा JUI के हैं। तहरीक इंसाफ का यहाँ भी दूसरा नंबर है। तीसरी पोजीशन आज़ाद उम्मीदवारों की रही है। ANP चौथे नंबर पर है, मुस्लिम लीग नून पाँचवें और पीपल्स पार्टी छठे नंबर पर रही है। मरियम नवाज साहिबा ने मौलाना की जीत को अपनी जीत कहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ से गलतियाँ हुई हैं, गलत उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है जिसकी कीमत चुकाना पड़ी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। PTI बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत होकर सामने आएगी। आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली की निगरानी वो खुद यानी वज़ीर आज़म साहब करेंगे। तो वैसे वज़ीर आज़म साहब अब किस किस चीज़ की निगरानी करेंगे, किस किस चीज़ की निगरानी खुद करेंगे? मौजूदा दौर में हर बहरान के बाद वज़ीर आज़म साहब आप ये ऐलान करते हैं कि अब निगरानी आप खुद करेंगे, तो क्या तहरीक इंसाफ के वज़रा, मुशीरान, मावरीन, वज़राए आला इनसे कुछ नहीं संभलता जो वज़ीर आज़म साहब आपको खुद हर मामले की निगरानी का ऐलान करना पड़ जाता है? कराची का पानी का मसला जिसको मैं खुद वापडा के साथ और वापडा के चेयरमैन के साथ खुद फॉलोअप कर रहा हूँ, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाने लगा हूँ, पेट्रन मैं खुद बनूंगा। मैं ये आपको गारंटी करता हूँ कि ये आपका टैक्स का पैसा आप पे और इस मुल्क पे खर्च होगा। मैं ये इंशाल्लाह ये भी आपको गारंटी करता हूँ कि ये पैसा मैं आपका चोरी नहीं होने दूंगा। फैसला किया है कि जो एग्रीकल्चर का सारा हमारा सेक्टर है इसको मैं आप खुद ऊपर से इसकी सरबराई करूँगा, इसको मैं ड्राइव करूँगा। आपके सामने हर हफ्ता इनकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपको एक एक की दूंगा टाइम फ्रेम के साथ। वैसे नाज़रीन, एक आम अवामी तासुर है कि खान साहब आपने जिस चीज़ का नोटिस लिया है वो काम मजीद ही चलें नहीं कहती, इंतखाबात के अगले मरहले का इंतज़ार कर लेती हूँ। खान साहब ने मौजूदा शिकस्त की वजह गलत टिकट्स की तकसीम को बताया है, लेकिन ये मसला भी नया नहीं है। तहरीक इंसाफ में टिकट्स का मसला 2013 से चला आ रहा है। इमरान खान इस मामले पर भी कई बार बात कर चुके हैं। खान साहब, 8 साल में तहरीक इंसाफ अपने टिकट्स के मसाइल हल नहीं कर सकी, तो अब कैसे ये मसले हल होंगे? सदाकत अली अब्बासी साहब साथ ही मौजूद हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी हैं। सर, आपसे ही बात करूंगी, लेकिन सदाकत साहब, सर तहरीक इंसाफ ने शिकस्त तस्लीम की है, अच्छी बात है सर, किसी इदारे पर बात डालकर अपना दामन साफ नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं टिकट्स में गलतियाँ हुई हैं, अब अगले इंतखाबात में वो टिकट्स की निगरानी भी खुद करेंगे। किस किस चीज़ की वज़ीर आज़म साहब खुद निगरानी करेंगे? ज़रात की निगरानी वज़ीर आज़म करेंगे, स्कूल्स के निसाब की निगरानी वज़ीर आज़म साहब खुद करेंगे, महंगाई की निगरानी वज़ीर आज़म साहब खुद करेंगे, आटा चीनी माफिया के मामले की भी वज़ीर आज़म साहब खुद निगरानी करेंगे, कोरोना वायरस के लिए इकदाम की भी वो खुद ही निगरानी करेंगे, टैक्स चोरी की निगरानी भी वज़ीर आज़म करेंगे, यहाँ तक कि ग्रीन लाइन सर और K4 मनसूबे की भी वो खुद निगरानी करेंगे, तो बाकी सारी PTI वो क्या करेगी अगर सब कुछ वज़ीर आज़म साहब नहीं करना है तो? किरण, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आज़म, अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म कभी तकरीर करने पे जाएं तो वो दुनिया के बेस्ट लीडर के मुकाबले में तकरीर कर लेते हैं, और इतना डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर है उनका कि वो हर चीज़ पे, इकॉनमी पे उनको समझ है, दीगर जो मसाइल हैं उनको भी वो समझते हैं, और सबसे बड़ी बात कि कौम ने शायद मुझे देख के या किसी और को देख के इमरान खान को वोट नहीं दिया, PTI को, इमरान खान को देख के वोट दिया। तो इमरान खान की जब बात जाती है तो कौम को तसल्ली हो जाती है कि अगर बिलफर्ज हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं रही KPK के लोकल बॉडी इलेक्शन में, तो इमरान खान ने अपने वोटर सपोर्टर को और वो जो कारकुन जो मायूस थे उनको तसल्ली दिलाई कि मैं खुद देखूंगा, बिकॉज शिकवा ये था कि जो वहाँ का लोकल पार्लियामेंट्री बोर्ड है प्रोविंशियल, उससे सही टिकट नहीं दिए, तो लोगों को मायूसी से उसको उठाने के लिए और उनको दोबारा से होप दिलाने के लिए वज़ीर आज़म ये बात करते हैं। बाकी मैं ये अग्री नहीं करता कि जो मरियम साहिबा कहती हैं कि जी हमें शिकस्त हो गया, हमें 17 सीटें मिली हैं, और जो 3 सीटों वाले क्या समझते हैं, उनको क्या हुआ है? अगर हमें 17 सीटें मिल गई हैं
और हमारे मुकाबले में सर इस पे मैं बात करूंगी ना सदाकत साहब आगे, लेकिन उससे पहले जो हम बात कर रहे थे, अगर माशाल्लाह माशाल्लाह वजीर आजम साहब की आप इतनी इतनी खूबियां गिनवा रहे हैं, अगर वो इतने कॉम्पिटेंट हैं सर, अगर वो इतनी गैर मामूली सलाहियतें रखते हैं, तो फिर कैबिनेट कम कर लेना सर, आवाम के ऊपर से बोझ भी हल्का हो जाएगा, इनको क्या सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए रखा हुआ है सर? नहीं नहीं, कैबिनेट का इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर होता है एक एक मिनिस्ट्री में कि कैबिनेट कम तो खैर हो सकती है, आप वज़ीरे आज़म का विजन देना, और इसीलिए किरण आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज़्यादा जो आपकी कैबिनेट की मीटिंग है वो नहीं हुई, इसीलिए कि वज़ीरे आज़म विजन दे के एक ब्रॉडर लाइन में व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू बता के बाकी लोगों के हवाले करते हैं, एग्जीक्यूट करना होता है। वज़ीरे आज़म का काम है विजन देना और उसके बाद उसकी सुपरविजन करना, तो बिटवीन विजन एंड सुपरविजन बाकी काम वज़रा करते हैं। ओवैस तौहीद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं एनालिसिस के लिए, बहुत शुक्रिया ओवैस तौहीद साहब। केपी के सर दो दफ़ा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चूज़ कर चुका है, बड़ा कहते हैं मेरिट पे फैसला करते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ है वहाँ पर? वज़रा कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से हुआ है, वज़ीरे आज़म साहब खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, टिकट्स की जो तकसीम हुई है वो गलत हो गई है, असल में हुआ क्या है, क्यों डिफीट हुई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को यहाँ पर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात क्या के अंदर अपने होम ग्राउंड पर ये बदियाती इंतखाबात में शिकस्त, और वो भी मौलाना फजल रहमान साहब जिनके साथ जाती पुरखाश रही है तहरीक इंसाफ की भी और इमरान खान साहब की, उनके हाथों ये शिकस्त जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं, ग्रुपिंग जो है, चाहे वो परवेज खटक साहब का हो, आतिफ खान साहब का हो, फिर उनके और कारिंदे जो है, महमूद खान साहब है, फरमान शाह साहब है, तरकई साहब हैं, वो सारे खुल के सामने आ रहे हैं। अगर पार्टी के अंदर देखिए, अगर हम इमरान खान साहब की बात ले लें कि जी टिकटों में गलती हुई तो वो भी पार्टी के खाते में जाती है, इतने अरसे से आप वहां पे क्या करना चाह रहे हैं कि टिकट किसने किए, फरमान शाह साहब ने किए, महमूद खान साहब की जिम्मेदारी थी, क्या आप उन्हें बरतरफ करेंगे, क्या आप परवेज खटक साहब को दोबारा लाएंगे 2023 के इंतखाबात के लिए, जो आपके लिए माजी के अंदर मैनेज करते रहे इलेक्शंस, या पूरी उसकी जो मैनेजमेंट थी इलेक्शंस की वो ही करते रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात, 9 साल तक खैबर पख्तूनख्वा ने साथ दिया तहरीक इंसाफ का, बिल आखिर उन्होंने कहा कि एनफ इज एनफ और हाउस इज नॉट इन ऑर्डर बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ का। और दूसरी बात ये कि पहले तहरीक इंसाफ के पास एक बहाना था कि जी मरकज में जो है आपके मसाइल इस वजह से नहीं हल हो रहे कि मरकज में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो इस दफा वो बहाना भी नहीं आया, एक इनकम्बेंसी का भी फैक्टर है। तीसरी बात ये कि लगता ये है कि महंगाई ने जो कमर तोड़ी है वो भी एक अलग फैक्टर है, लेकिन ये जो सेटबैक है किरण, इसके इम्प्लीकेशन तो पंजाब के अंदर इलेक्शन में भी होंगी, और बदकिस्मती से आने वाले दिनों के अंदर 2023 के इंतखाबात में ये परसेप्शन चलेगी, क्योंकि परसेप्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑब्वियसली। और सर, फिर आवाम को दिखाने के लिए गवर्नेंस में है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? ऑब्वियसली ये बड़ा एक बड़ा क्वेश्चन है। अब आजम साहब, सर मरियम साहिबा मान रही हैं मुस्लिम लीग नून ने केपीके में ज्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन इस बात पर भी वो बड़ी खुश हैं कि इस बार एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही या नहीं, सर खामोश है इस बार? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज कट रही है। जी जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपने मेरा सवाल सुन लिया या मैं दोहरा दूं? नहीं, मुझे आ गया जी, आप थोड़ी सी आवाज कट रही थी। देखिए, पहले तो मैं थोड़ी सी, अगर आप इजाजत दे तो, फवाद चौधरी साहब का आपने शॉर्ट सुनवाया, वो कह रहे थे कि फजलुर रहमान साहब रिप्लेसमेंट आए हैं और ये वो मजहबी शिद्दत पसंद हैं और इस तरह ये लोगों के लिए सोचने का मुकाम है, तो क्या ये पीटीआई के लिए सोचने का मुकाम नहीं है कि उन्हें इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई? और उसकी वजह ये नहीं है कि वो केपी में था, पूरे पाकिस्तान में उनके साथ ये हो रहा है। सुबह आप पंजाब में इलेक्शन करवा लें, सिंध में करवा लें, रिजल्ट यही आएगा। आप डस्का में हारे, वजीराबाद में हारे, आप नौशहरा में हारे, आप खुशाब का जिमनी हारे, खानेवाल का जिमनी हार गए हैं, कराची का जिमनी हारे, कहाँ पे पीटीआई ने कुछ परफॉर्म किया है? आप डॉलर 182 पे ले गए हैं, आटा चीनी मिलता नहीं है, मिले तो कीमतें 3-3 गुना हो चुकी हैं, लोगों को खाने की रोटी नहीं, गैस नहीं है, ये सारे। और अभी सदाकत अब्बासी साहब मेरे भाई ये कह रहे थे कि जी खान साहब वो तो वैसे ऐसे एक चिराग रगड़ेंगे और सारा कुछ ठीक कर देंगे। खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें,
जो इकोनॉमिक्स की जो मुआशियात की हालत हुई है, जो इस वक्त जिस बहरान से हम निकल रहे हैं, वो सारी मिसगवर्नेंस है। रही बात इलेक्शंस में, तो बिल्कुल लोगों ने वहां पे रिएक्ट किया है। और सर माशी जो जो सूरत हाल है उस पर ऑब्वियसली तनकीद हो रही है हुकूमत पर, गवर्नेंस पर तनकीद हो रही है हुकूमत पर। सर मुझे ये बता दीजिए, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही इस बार या नहीं रही? सर देखिए, ये बात तो फिर तयशुदा है ना, कि इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट इलेक्शंस में रही है, और वो कोई अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे शवायद पिछले इलेक्शंस में आए जिससे ये बात खुल के हुई और लोगों ने ये इस बार न्यूट्रल रही या नहीं रही सर? मेरे ख्याल में न्यूट्रल का एलिमेंट इसलिए नजर आता है कि जिस तरह का मिक्स रिजल्ट आया है उससे लगा ये है कि वहां पे कोई फेवरेट नहीं था जिसको उठा के ऊपर जाने की कोशिश की गई है। एक मुतफर्रक सा रिजल्ट आया है। और मैं आपको बताऊं किरण, पॉलिटिक्स में ये जो परसेप्शंस है इनकी बुनियाद कोई ना कोई होती है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि बिल्कुल कोई न्यूट्रलिटी नजर आई है और उसकी वजूहात सारों के सामने मौजूद है। एक बड़ी चेंज आई इस मुल्क में उस इदारे में, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आप थोड़ा सा सियासत से इदारा दूर होना चाह रहे हैं, और ये एक अच्छी खबर है, ये बुरी खबर नहीं है मुल्क के लिए। जब तक आप पॉलिटिक्स को ओपन फील्ड नहीं देंगे, पॉलिटिशियंस को ओपन फील्ड नहीं देंगे, आप कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेंगे, तो अनकरीब मियां साहब भी हमें वापस आते हुए दिखाई देंगे सर? देखिए, उसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। चीजें सबको पता है कि परसेप्शन, मैं अगर कहूं बतौर वकील, बतौर कानून के तालिब इल्म के, जिस तरह से मुकदमात को लिया जा रहा था और एक जमात का इत्तसाब किया गया है इस अरसे में, वो नैब के पार्ट पे हो या कोर्ट्स के रिलीफ के हवाले से, जितना चीजें रोक रोक के दो सवा साल डेढ़ साल। हालात बेहतर है आजम साहब, तो इसलिए अब नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। इसका ज्यादा बेहतर जवाब तो मेरे ख्याल में जो इस वक्त इमीजिएटली उनकी लीगल टीम उनके मैटर्स को देख रही है वो जरूर दे सकती है। मेरे से अगर पूछा जाए, मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक बार से भी है और मैं अदालतों के हवाले से भी सूरत हाल को देखता रहता हूं, मैं अभी तक उस हवाले से मुतमिन नहीं हूं। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए अदलिया की, परसेप्शन बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ओएस सॉरी साहब काफी देर से मुस्करा रहे हैं सर, ये जो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही या नहीं रही, लेकिन एएनपी वाले ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं सर कि कुछ हलकों को इस वक्त अफगानिस्तान के मामले पर मौलाना फजल रहमान साहब की जरूरत है, इस वजह से नेताई जी आए, ये तासर देना दुरुस्त है ओएस साहब? देखिए, तासर जाहिर बात है कि एएनपी को उस तरीके से नहीं पजीराई मिली लोकल बॉडीज इलेक्शन में, और उनका एक माजी में भी ये रहा है कि जी एक शिद्दत पसंद या इंतहा पसंद जमातों को फरोग दिया जा रहा है और वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उंगलियां उठाते हैं, उस तनाजुर में देखें तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आजम तारड़ साहब कह रहे थे किरण के ये, और मुस्लिम लीग की जो ने जो लीडरशिप है वो कह रही है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब की फतेह या जेयूआई की फतेह नून लीग की फतेह है, इस वजह से नून लीग फतेह अपनी कर रही है कि नून लीग की सारी जो फोकस है वो पंजाब में, और वही समझते हैं कि वहीं पे लड़ाई है उनकी तहरीके इंसाफ के साथ, और वहीं पे कहीं ना कहीं समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को वो वहां पे जीत कर या एक अपना सियासी जो ताकत है उसका एक मुजाहरा करके वो इम्प्रेस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जेयूआई के अंदर 2002 में जब एमएमए की हुकूमत आई, मैं खुद पिशावर में था, छतरी बिटवीन पिशावर एंड काबुल ड्यूरिंग दोस डेज, तो मैंने खुद देखा है शिद्दत पसंद इंतहा पसंद भी मैंने देखी है एमएमए के दौरान, और मुझे इस बात पे शक है और मुझे ये लगता ये है कि जेयूआई के जब मेयर होंगे तो इंतहा पसंद या शिद्दत पसंद अनासिर जो हैं उनको ये छतरी एक तरह से महसूस होगी, मेयर की जो छतरी ये आपका परसेप्शन है वैसे वाइज साहब। और आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं, तो सदाकत अली अब्बासी साहब जी, सदाकत साहब सर सब एक पेज पर हैं, क्योंकि अगर ऑपोजिशन की जानिब से ये कहा जाए कि हालात रहे तो फिर आपका एक पेज पर होना सर इसके ऊपर सवालिया निशान लग जाता है, जरा डावाडोल सा होने लगता है सर। देखें, ये क्योंकि लोकल इलेक्शन था और रिजल्ट पे ठीक है हमारे पॉलिटिकल परसेप्शन पे फर्क पड़ा होगा कुछ हफ्ते के लिए, कुछ हफ्तों के लिए डिबेट तो होगी, लेकिन आज भी अगर आप फेयर एनालिसिस करें तो ये जो पार्टीज हैं, चाहे वो जेयूआई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, ये तो मुल्क के मुख्तलिफ पॉकेट्स में, एक खास रीजन में
हर जगह पे या तो पीटीआई जीत रही है या पीटीआई नंबर टू पे है। तो एक ही कौमी पार्टी है जिसका नाम है तहरीक इंसाफ। हाँ, इनकम्बेंसी फैक्टर है, इसके अलावा ये लोकल इलेक्शन है और बहुत बड़ा हमने एक दिलेराना स्टेप लिया कि डायरेक्ट इलेक्शन कराए। अगर ओवैस तो हिसाब से मैं कहता हूँ, अगर हम भी पीपल्स पार्टी की तरह होते और काउंसलरों के इलेक्शन करवाने के बाद उनको पीपल्स पार्टी की तरह खरीद के या दबा के या प्रेस करके हम सारे मेयर बनवा लेते, लेकिन हमने सियासत को रिफॉर्म किया और एक स्टेप आगे लेकर गए कि ऐसा इलेक्शन हो कि एक बाकी मुल्क के लिए नमूना हो। ठीक है, हमारा बदतरीन सियासी मुखालिफ इसलिए जीत गया ये यू आई कि हमने कोई रवायती सियासी इंतजामी और हकूमती वो ज़राए और जो मीडिया के ज़राए होते हैं जो आप देखते हैं हमने इस्तेमाल भी नहीं किए। एक लिहाज से पाकिस्तान जमहूरियत में मजबूत, लेकिन सर और आम आगे गलतियां वो भी रही हैं जिसका वजीर आजम साहब ने खुद भी इजहार कर लिया है, जहां पर गलतियां वजीर आजम साहब ने खुद भी तस्लीम कर ली हैं। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में 18 दिसंबर को मुबैना पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई। मुकाबले के दौरान वासिफ नामी शहरी जा बहक हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिमान को देख कर फायरिंग की। एक मुलजिम उसी गली में दाखिल हो गया जहाँ कुछ लम्हे पहले मकतूल वासिफ भी दाखिल हुआ था, जिसके बाद वहाँ से उसकी लाश ही बाहर आई, जिसके इल्ज़ाम में SHO को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तार तीनों अहलकारों को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। चंद दिन पहले कराची पुलिस ने अरसलान नामी नौजवान को जाली मुकाबले में कत्ल किया था। वैसे पुलिस के कंधों पर हज़ारों बेगुनाहों का खून है। इस वक्त मकतूल वासिफ की वालिदा रेहाना रियाज साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। यकीनन उनकी औलाद गई है, और बेटा कैसे जवान होता है, कैसे बड़ा होता है, ये किसी माँ से कैसे पूछा जाए। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके लिए यकीनन ये बड़ा कड़ा वक्त है, बड़ी अजियत का वक्त है, आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रेहाना साहिबा, ये सीसीटीवी फुटेज जो देखी है हमने, जो इसमें नज़र आ रहा है, इसमें वाजे हो गया है कि फायरिंग सिर्फ पुलिस की जानिब से की जा रही है, और बताया जा रहा है कि जिस गली में वासिफ को मारा गया है वहाँ अंधेरा था, पुलिस ने देखे बगैर ही फायरिंग की है। क्या ये दुरुस्त है? आप तक भी यही बात पहुंची है? जी हाँ, मेरे पास यही बात पहुंची। क्या वो डकैत था और उसको मार गया? मुझे ये नहीं पता, मेरे घर को बहुत करीब है वहाँ से। मुझे आवाज़ आई 6-7 फायर करने की। मेरी बहू कहने लगी, अम्मी कहाँ से? मैंने कही थी कि शादी वादी हो रही होगी। मुझे बदनसीब को ये नहीं पता था कि ये जो मैं सुन रही आवाज़ ही मेरे बच्चों को भूना जा रहा है वहाँ। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर मोहल्ले वाले सारे समा हुए, उन्होंने देखा तो वो कहने लगे तो वासिफ की या काशिफ के भाई की है ये। तो उनसे मोबाइल छीने इन्होंने, पुलिस वालों ने मारा पीटा। मेरे बेटे की जो बेहरमती करी है उसका तो मैंने सीन देख ही नहीं सक रही हूँ मैं। आपको आके देखे सब में वीडियो बनाई हुई है कि मेरे बच्चे को कितनी बेदर्दी से, किसी फील्ड में नहीं था, सुबह गया था, शाम को वापस ड्यूटी से आ रहा था, कमाने गया था वो तो, और पढ़ा लिखा एजुकेटेड उसके साथ। अरे तुम अगर वो दहशतगर्द तुम्हें नज़र आया था तो उसको रोक लेते। तुम 3-4 आदमी थे, 4 पुलिस वाले थे, तो रोक के उससे पूछ लेते कि बेटा क्या है ये, नहीं तो उसको गोली सीने में मारने को मार देते अगर वो भाग रहा था। अलबत्त तो ऐसा था, हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा था। वो तो कई दफ़ा लूट चुका है इनके हाथों, कई दफ़ा उससे मोबाइल छीने गए, पैसे छीने गए। वो तो कहता था अम्मी जान से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज नहीं है, दे दो जिसके जो मांगते दे दो। गन पॉइंट पे तो वो सब कुछ दे देता था, मगर यहाँ उसको ऐसा बेदर्दी से मारा है कि पता नहीं वो कितना बड़ा जुर्म था। उसका जुर्म यही था कि वो सुबह का गया भूखा प्यासा घर वापस आ रहा था। 5 मिनट पहले मेरे पास फ़ोन आया, अम्मी क्या पकाया आपने? मैंने कहा वेजिटेबल राइस बनाया, उसको बहुत पसंद थे, रायता बनाया। मैंने कहा रायता दही लेते आना। कह रहा नहीं अम्मी मैं बाइक पे तो नहीं हूँ, मैं बस में हूँ, आप भाई से मंगवा लें, उसको दही के भी पैसे दे दें और 2 अंडे भी मेरे लिए मंगवा लेना सुबह के लिए। मैंने वो मंगवाया, जल्दी से रायता बना के रखा, पानी गर्म करके रखा कि आएगा मोहत धोएगा,
खाना खाएगा, सब उसके इंतज़ार में बैठे हुए, और वो जब आया तो खाना तो उसको क्या नसीब होना था, ना हमें नसीब हुआ ना उसे नसीब हुआ। भूखा प्यासा मेरे बच्चे को छन्नी कर दिया कमबख्तों ने, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी भी रीज़न के। मैं क्या कहूँ उनको, वो कैसे दहशतगर्द हैं, ये कैसी हमारी मुहाफिज़ हैं। मारने के बाद बच्चों ने मुझे बताया, आपकी तकलीफ वजह है, एक आम शहरी हैं आप, आपको ये बात मालूम है कि पुलिस अगर किसी डकैत को देखती है, अगर किसी चोर को देखती है तो उसे रोकने के लिए पाँव में फायर किया जाता है, लेकिन पता नहीं पुलिस कैसे कैसे बच्चों की, नौजवानों की जान ले लेती है। रिहाना साहिबा, एसएसपी कॉलोनी मामले की बात कर रहे हैं, कहते हैं मुआफिज हैं, हमें ऐसी मुआफत की जरूरत नहीं, मुआफसों की जरूरत नहीं है। आप उसकी तहकीकात से मुतमईन हैं? इनको खत्म कर दे, मैं नहीं मुतमईन। अभी तक तीसरा दिन है आज, मेरे बेटे को ना कोई आया है, और एस एच ओ ने मेरे बेटे की जो बेहरमतें करी है मारने के बाद, उसकी गोलियां उंगलियों से निकाली हैं, जिसम में से चढ़े हैं उसके सीने के ऊपर, उछले हैं उसके सीने पे, उसको कुत्तों की तरह घसीट के लेकर गए हैं। मुझे इंसाफ चाहिए बेटा। और एस एच ओ कहते हैं बड़े पढ़े लिखे होते हैं, ये कहाँ की डिग्रियाँ लेकर आए हैं, किन माओ ने इनको जन्म दिया है। पाकिस्तान के जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो आपके दुख का अंदाज़ा कर सकते हैं, माँ हैं आप। मैं अपील करती हूँ, सिंध हुकूमत से अपील करती हूँ कि खुदारा ये पुलिस वालों को लगाम डालें, कितने कराची के बच्चे, कितने नौजवान हैं जिनको इस तरह से मारा जाएगा, जिनकी माँ इस तरह से रोएंगी, बैन के साफ की तलबगार होंगी। रिहाना साहिबा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम में आप मेरे साथ मौजूद थी, अल्लाह ताला आपका गम हल्का करे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, डॉक्टर ताहिर शमसी के हवाले से बात करेंगे। ताहिर शमसी का नाम ख़ास तौर पे कोविड-19 की पहली फेज़ में बहुत नुमाया तौर पे सामने आया, जब उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर बहुत सारा काम किया। एक अच्छी बात उनकी ये थी कि उन्होंने जो है ना वहाँ पर एक अपनी टीम तैयार कर ली है, जो जो एक खराब एक इंस्टीट्यूट बना दिया है, इंशाल्लाह वो उनकी ज़िंदगी के बाद भी चलता रहेगा और एक उनके लिए सबका जारिया रहेगा। एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको प्रोग्राम में। डॉक्टर ताहिर शमसी, अगर मैं नहीं पाकिस्तान का एक असासा कहूँ या एक अजीम इंसान कहूँ तो शायद किसी को मेरी इस बात से एतराज़ नहीं होगा। ताहिर शमसी, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, कुछ रोज़ पहले ब्रेन हैमरेज का शिकार हुए और आज अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी को सुपर हाईवे के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैं उन्हें एक अजीम इंसान नाज़रीन इसलिए कह रही हूँ कि एक महंगा तरीन इलाज जिसके लिए लोगों को लाखों रुपया खर्च करके बैरून मुल्क जाना पड़ता था, बीमारी में मुब्तला बहुत से लोग वसाइल की कमी के बाइस यहीं ज़िंदगी की बाजी हार जाते थे, डॉक्टर शमसी ने 1996 में उसे पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 650 ऑपरेशन किए, 100 से ज़्यादा तहकीकी मजामीन लिखे, कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, यहाँ भी डॉक्टर ताहिर शमसी ने कोविड से सहतियाब होने वालों के प्लाज्मा के ज़रिए कोविड के मरीज़ों का इलाज शुरू किया। 2016 में अमेरिका में डॉक्टर्स की एक गैर सरकारी तंजीम डाउ ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने डॉक्टर ताहिर शमसी को उनके खिदमात के एतराफ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। हेमाटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिर शमसी ने 2011 में खून से मुतालिक बीमारियों के इलाज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लड डिजीज़ कायम किया। NIBD में स्टीम सेल प्रोग्राम के डायरेक्टर भी थे और वो रॉयल कॉलेज के पैथोलॉजिस्ट फेलो भी थे। पाकिस्तान के डॉक्टर्स, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये बात मानते हैं, ये तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टर ताहिर शमसी की काविशों से बोन मैरो ट्रांसप्लांट और खून के दीगर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सका है। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इन पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, क्योंकि 1996 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में मुतारफ करवाया डॉक्टर ताहिर शमसी ने, तो मैं सबसे पहले तो इसी बारे में आपसे जानना चाहूँगी, ज़रा नाज़रीन को बताइएगा कि इससे पहले 1996 से पहले कितना एक्सपेंसिव ये इलाज हुआ करता था, किस तरह से कौन कौन से ममालिक में लोग जाया करते थे, कहाँ कहाँ पर ये मुमकिन था इलाज, पाकिस्तान में नहीं था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए ये एक तो बहुत अफसोसनाक आज खबर है और बहुत अफसोसनाक बात है कि ताहिर शमसी जो है अब हम में नहीं रहे, और बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा और बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा इंसान था। उसने बड़ी मेहनत की और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह आप कह रही हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट का उसने शुरुआत की यहाँ पे, और इससे पहले मुल्क से बाहर जाकर लोग ये काम करते थे, और वो तकरीबन आप समझ लें कि ये अमेरिका यूरोप इन जगहों पे जाके ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाता था। लेकिन जब यहाँ शुरू हुआ तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, जो कि यहाँ पर भी खर्चा गरीब आदमी का, लेकिन अच्छी बात ये होती थी कि उसमें भी ये रियायत करके किसी न किसी तरीके से लोगों को मदद करते थे और यहाँ पे ट्रांसप्लांट होता था। बात सारी ये है कि एक अच्छे आदमी के साथ साथ जो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ना सिर्फ उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान में, बल्कि लोगों को ट्रेन किया इसके ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो सिस्टम था वो यहाँ पे इन्होंने ट्रेन किया। जैसा कि अभी आपने बताया अपने इंट्रो में कि NIBD में इन्होंने बड़ा वो जगह ली और उसमें वहाँ काम किया और अभी तक कर रहे थे वो। अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ एंड आज वो दुनिया में नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो भी काम किया है वो उनके जो टीम है इस वक्त जो बना गए हैं वो टीम अब उसको चलाती रहेगी, लोगों को इसी तरह से फैजियाब करती रहेगी, और ये इसका तमाम जो सवाब है वो ताहिर शमसी को ही जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो हम एज ए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उनके इस जो हादसा हुआ इसमें हम बहुत गमजदा हैं, उनके फैमिली के साथ बराबर के शरीक हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वाकई वो एक ऐसी शख्सियत थे, आज सारा दिन अगर आप फेसबुक प्रोफाइल पे देखें तो किसी हर किसी ने कुछ ना कुछ उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, किसी की एक बार भी मुलाकात हुई हो तो जितनी हम्बल वो शख्सियत थे उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उनके उनकी अच्छी यादों को शेयर करें। आपके तो बड़े अच्छे दोस्त थे, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहेगी सर उनकी? देखिए बहुत सारे वाकयात हैं, और मैं चूँकि सोशल वर्क करता हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे, बहुत सारे गरीब गुरबा जो है जो हमसे कांटेक्ट करते हैं। मैंने जब भी ताहिर को फ़ोन किया कि यार ऐसा ऐसा है, इसके साथ थोड़ा रियायत कर लो, फीस ना लो, इसको इस तरह कर लो, उसने कभी मना नहीं किया। उसने हमेशा कहा कि कैसर भाई आप भेज दें, बिल्कुल मैं कर दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ अपने फील्ड में, कोई किसी को की मदद नहीं करता, और ताहिर शमसी वो ऐसा आदमी था, उन आदमियों में उसका शुमार होता है जो बहुत कम तादाद है लोगों की, जो कि लोगों की मदद करना, लोगों को किसी ना किसी तरह से अकोमोडेट करना, अपने प्रोफेशनल डॉक्टर्स को जो उनकी बातों को सुनना और उनको उनको उनके ऊपर अमल करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों का है। और साथ ही मैंने देखा कि ताहिर शमसी जो थे वो बहुत ही वाज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक बहुत अच्छा इंसान। इसीलिए सर मैंने कहा कि वो यकीनन एक अजीम इंसान थे, और जो कुछ वो कर सदका जारिया के तौर पर उनकी टीम अब इस काम को आगे बढ़ाती रहेगी। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।